दोस्तों, ये दुनिया बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और मिस्ट्रीज हैं जिन्हें आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान के एक गांव के बारे में, जहां एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज होती नजर आती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां पर लोग दिनों तक सोते ही रहते हैं। ये गांव यानी कलाची गांव के लोगों को सोने की बीमारी लगी हुई है। जब यहां पर लोग सोते हैं तो हफ्तों तक और महीनों तक सोते ही रहते हैं। ये बीमारी का पहला केस 2010 में रिपोर्ट हुआ था, जब कुछ बच्चे स्कूल में सो गए और बहुत हफ्तों तक सोते ही रहे। लोगों को लगा कि वो मर चुके हैं, पर उनकी सांसें तो एकदम बराबर चल रही थी। तब से ही बहुत सारे साइंटिस्ट इस विलेज पर रिसर्च कर रहे हैं, बट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को अब तक कोई एग्जैक्ट रीजन मिला ही नहीं है कि आखिर ये घटना क्यों हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गांव के यहां के पॉल्यूटेड वाटर्स की वजह से हो रहा है। इस गांव को लोग स्लीप हॉलो भी कहते हैं, क्योंकि यहां के लोग मिस्टीरियस तरीके से सो जाते हैं। स्लीप हॉलो एक मेडिकल डिजीज है ह्यूमंस के अंदर, और ये बीमारी हवा के थ्रू फैलती है। अब एक प्रोफेसर का कहना है कि यहां पर जो माइंस है उनमें से जो रेडम गैस रिलीज होती है उसकी वजह से ये सिम्टम्स लोगों में पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग दिन में ही सो जाते हैं और तो और काम करते करते अचानक ही सो जाते हैं। यहाँ पर लोगों को हर वक्त नींद जैसा ही लगता रहता है। एक डॉक्टर का कहना है कि अगर आप उनसे उठाओगे और उनसे बात करोगे तो वो आपको रिप्लाई भी देंगे और आपसे बातें भी करेंगे, पर जैसे ही आपने बोलना बंद किया और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होगा, सोना सोना और सोना। ये लोग कहीं भी और कहीं भी सो जाते हैं, जैसे मार्केट्स, स्कूल्स, रोड्स, पार्क्स, कहीं भी, और बहुत दिनों तक सोते ही रहते हैं। क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।